प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं 3 रोज तक बनारस में निवास करूंगा। अगर कोई पुराने मित्र हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो बनारस का मोबाइल नंबर मैं बोल देता हूं। बनारस का नंबर 7974039831। एक बार फिर सुन लीजिए, 7974039831। इस फोन पर आप कल संध्या से लेकर 30 तक संपर्क करिए, अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो। आज एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं कानपुर में था, निकल रहा हूँ बनारस वाराणसी के लिए। ये वीडियो आपको रास्ते में मैं बना रहा हूँ। राहु शनि ग्रह की युक्ति, कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या लाभ क्या हानि देता है। जिसके कुंडली में लग्न में राहु शनि की युक्ति है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, कार्य में रुकावटें आती हैं, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं, इनका पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं रहता। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में राहु शनि है, ऐसे लोग अक्षमातिक उन्नति करते हैं, अक्षमातिक धन की प्राप्ति करते हैं, जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, इनको माता पिता से अच्छा सुख धन दौलत प्राप्त होती है। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग को संघर्ष पूरा करते हैं, जीवन में मेहनत के साथ सफलता नहीं पाते। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग व्यावसायिक शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, जज बनते हैं, ऐसे लोग संगीतकार और लेखक बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ये शत्रु विहीन होते हैं, कभी किसी के का से हारते नहीं हैं, न कभी जेल जाते हैं, न कभी चरित्र खराब होता है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग को सरकार से उच्च पद की प्राप्ति होती है, इनके जो भी कार्य होते हैं, जो भी उन्नति होती है, अचानक होती है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ये मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारण ये हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। जिनके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, कर्जे के कारण की सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग को अवसर बहुत मिलते हैं परंतु लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग धन कमाते हैं परंतु संचय नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग खर्चीले अधिक होते हैं। जिनके कुंडली में ग्यारहवें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग अक्षमातिक उन्नति करते हैं, अच्छा धन प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से 12वें भाव में राहु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग सामाजिक पारिवारिक व्यवहारिक रूप से पीछे रहते हैं। इतना कहते हुए ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।